उधम सिंह नगर जनपद के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से एक युवक द्वारा नाबालिग बच्ची को अगवा करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी लगते ही रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोरा हिंदूवादी संगठन पीड़ित परिवार के साथ ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने में मौजूद दरोगाओं को मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान मामले में जांच पड़ताल कर रही पुलिस को मौके पर बुलाया और दरोगा गणेश पांडे को भी जमकर फटकार लगाई। इस दौरान विधायक ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये शर्म की बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रांजिट कैंप थाने के पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हैं। वहीं इस संबंध में विधायक ने जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा से फोन पर बात करते हुए पूरी घटना से अवगत कराया, जिस पर एसएसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। अरे एक बच्ची यहां से दो दिन से यहां तड़प रही है और उसकी अब तक कार्रवाई क्या है? कार्रवाई का औकात बताओ तुम लोगों की क्या है? उसका अभी तक फोन चल रहा है, सर्विलांस में लगाया किसी ने फोन? क्या है रिपोर्ट? अच्छा बता रहे तुम्हारे पास क्या है, क्या रिपोर्ट क्या? अरे सर उसका अभी फोन ऑन है, पता है तुम लोगों को? उठाना चाहिए था ना जब यार, पता है क्या है रिपोर्ट का, क्या स्टेटस है उसका बच्ची का? वो अपना उसकी 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 हिम्मत देखो, खोलो जरा से। वो अपने इंस्टा पे उस बच्ची की फोटो डाल रहा और तुम्हारे ये विवेचना चल रही है। बवाल कराना चाह रहे हो क्या रुद्रपुर में? विवेचक विवेचक गणेश पांडे सबसे बड़ा वो मामला है, गंभीर मामला है। मजाक बना रखी है तुम लोगों ने बिल्कुल। ये देखो एक फोटो डाल रखी है, ये दिख रही है तुम लोगों को? अरे तुम कहां हो गणेश? हाँ गणेश तुम कहां हो? तुम आ जाओ, पांच मिनट में यही बैठा हूं मैं, यही आऊ। अरे साइबर सेल हो जाएगी जब तीन दिन में इतनी कार्रवाई होगी, तुम आधे घंटे में कौन सी कार्रवाई हो जाएगी? अरे तुम यहां आओ, पहले थाने आओ, पता तो लगे भाई अभी तो साइबर सेल के अलावा तीन दिन में क्या किया तुमने। नहीं कल्पना करो, ये देखो देखो खून नहीं खोलता क्या? हमारी बच्ची को लेके वो इस तरीके से ट्रेन में बैठ के जा रहा, फोटो डाल रहा है उल्टी पुल्टी सारी, उसकी इतनी हिम्मत है, मुंह पर तमाचा मार रहा सबके, और तुम लोग यहां मुंह उठा के खड़े हो सारे लोग। एक बहुत ही गंभीर मामला, एक लव जिहाद का वो मामला जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, इस्लाम बढ़ाने के नाम पर हमारी छोटी बच्चियों को कैसे बरगलाया जा रहा। एक हमारी छोटी बच्ची 14-15 साल की, और उस बच्ची से अल्फाज नाम का एक लड़का उससे पहले सोशल मीडिया पे दोस्ती कर रहा है, दोस्ती करने के बाद उसे बरगला रहा है, बरगलाने के बाद तीन दिन पहले उस बच्ची को यहां से अगवा करके लेके जाता, उसका परिवार यहां तड़प रहा है अपनी बच्ची के लिए, वो उससे उसकी इतनी हिम्मत अल्फाज की कि वो ट्रेन में बैठ के इंस्टा पे कल अपनी पोस्टर डाल रहा उस बच्ची के साथ, उसका फोन अभी तक ऑन है, उसकी फोन पर जो उसके उनकी मां के फोन पर वो बच्ची बात करने की कोशिश करती है, मैसेज में बात करने की कोशिश करती है, जैसे ही वो हेलो हेलो की थोड़ी बहुत बात होती है तुरंत उसका फोन छीन लिया जाता। इसे साफ पता चल रहा उस मासूम बच्ची को कैसे अगवा किया गया होगा, क्या बीत रही होगी उसके साथ, ये लव जिहादी क्या कर रहे होंगे उसके साथ। और उसको लेके हमारे यहां थाने के तीन दिन बाद मेरे आने के बाद अब सीडीआर निकालने जा रहे, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात है उसके परिवार को ही धमकाने की कोशिश कर रहे, जबकि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कह दिया चाहे लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो इस देवभूमि पर हम चलने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। और उस समय में इस तरीके के लोगों की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो यहां पर आके हमारी बच्चियों को अगवा करके लेके जाए, और ये यहां पुलिस के जो आईओ हैं और यहां के लोग हैं उनका ये निकम्मा पर नजर आए, ये बर्दाश्त ना तो मैं करने वाला हूं ना हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले।